हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की। प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक। हम आज बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की। शॉक में ओवरऑल जो हमें अभी एक इमेज बन के आ रही है वो ये है कि शॉक में किसी पर्टिकुलर टिशूज़ में, ऑर्गन में ब्लड की जो है सप्लाई, ब्लड की मतलब ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को रिलेट करके उसके सप्लाई की हम बात करते हैं, वो डिमिनिश्ड हो जाती है। डिपेंडिंग ऑन द रीजंस इसे कई तरीके का होता है। जैसे हम हाइपोवॉल्यूमिक में हम बात किए कि उसमें इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम या तो ब्लड प्लाज्मा फ्लूइड जो था उसके कम होने की वजह से, मीन्स IVV इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम के कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। जब हमने कार्डियोजेनिक शॉक की बात की तो हमने इस चीज़ को रिलेट किया कि इसमें हार्ट में इश्यूज हैं, उस वजह से हार्ट ही नहीं पंप कर पा रहा है ब्लड को। अब जब हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की बात करेंगे तो ओवरऑल अल्टीमेटली हमारा इन्फ्लुएंस जो है कार्डियक आउटपुट ही होने वाला है, लेकिन उसकी जो वजह है वो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। इसी वजह से इसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। वो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर है एग्जैक्टली और किस तरीके से वो हार्ट के कार्डियक आउटपुट को मॉड्यूलेट करता है, अगर हम इस चीज़ को समझते हैं तो बाद की हमारी पूरी कहानी वही है कि जब हमारा पर्टिकुलर कार्डियक आउटपुट कम होगा तो उस पर्टिकुलर टिश्यूज या ऑर्गन में ब्लड का वॉल्यूम उतना सफिशियंट एडिक्वेट रीच नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो उसमें न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी कम होगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो शॉक की वो वर्स कंडीशन की तरफ हम प्रोग्रेसिवली जाते जाएंगे। लेकिन इनिशियली हम फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करेंगे क्योंकि हमारा लास्ट का जो स्टेप है ओवरऑल हर तरीके के शॉक में सेम है। तो ऑब्स्ट्रक्शन की हम बात करते हैं। देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ग्रेट वेसल्स में है। आपको सबसे पहले इस चीज को समझना है कि यहां पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है आपका वो ग्रेट वेसल्स में है। तो ग्रेट वेसल्स में आप या तो अगर हार्ट के जो डाउन एंड अप साइड से हेड साइड से आ रहे सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा, मीन्स हम वीनस सिस्टम को ले लें, उधर लार्जर वेन्स को ले लें वेना कावा को, या तो हम इधर की तरफ अओर्टा को ले लें। तो अओर्टा और वेनस वेना कावा, इनमें अगर हम ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें और ऑब्स्ट्रक्शन किस तरीके का होगा, लाइक प्लैक डिपोजिशन, फैटी स्ट्रिक डिपोजिशन ओवरऑल, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, जैसे अगर आपके वेना कावा में ऑब्स्ट्रक्शन है तो वेना कावा में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो जो डाउन साइड से वेन्स से थ्रू द वेन्स जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन रिटर्न होकर राइट एट्रियम में आता है, उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रिटर्न नहीं हो पाएगा राइट। तो जब रिटर्न नहीं हो पाएगा तो जो फिलिंग है कार्डियक फिलिंग राइट एट्रियम में वही कम होगी। जब कार्डियक फिलिंग कम होगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि राइट वेंट्रिकल में शिफ्टिंग ब्लड की कम होगी और फिर जो पल्मरी सर्कुलेशन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो भी क्या होगा, वो भी कम होगा और ओवरऑल अल्टीमेटली जो होने वाला है वो है हमारा कार्डियक आउटपुट या स्ट्रोक वॉल्यूम कम होने वाला है। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट करेंगे। अगर हम एवोर्टा में ऑब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम बात करेंगे कि एवोर्टा में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से हार्ट के मायोकार्डियम को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द उस ऑब्स्ट्रक्शन जो कि एवोर्टा में ऑब्स्ट्रक्शन है, उस ब्लड को इजेक्ट करने से, लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट करने के लिए उसको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन फॉरवर्ड है उसमें भी क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, इजेक्शन स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम जो बाहर आ रहा है उसको इंपीड करेगा, रोकेगा कौन, वो पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन जो कि एओर्टा में है। तो इस तरीके से हम अगर इसको ओवरऑल तीन चार जगह से डेफिनेशन को क्लब करके एक बेहतरीन, अगर आप ऑब्स्ट्रक्टिव डेफिनेशन की शॉक की ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक को डिफाइन करते हैं तो कुछ आपको इस तरीके से करना होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय द फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन इन द ग्रेट वेसल्स विच रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट, एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट नहीं कर पाएंगे डिस्पाइट ऑफ किसके बाद भी, जबकि हार्ट की मायोकार्डियम में प्रॉब्लम है और ना तो वेस्कुलर वॉल्यूम में कोई चेंजेस है, मींस डिस्पाइट ऑफ नॉर्मल इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम एंड मायोकार्डियल फंक्शन, मायोकार्डियल फंक्शन और इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम में हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में कोई चेंजेस होने की बात नहीं करते, ये दोनों चीजें नॉर्मल होती हैं, सिर्फ हम
फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन जो कि ग्रेट वेसल्स में है उसको रिलेट करके बोलते हैं कार्डियक आउटपुट से, लाइक तो इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं. मींस फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट वेसल्स दैट लीड्स टू द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट डिस्पाइट ऑफ नॉर्मल इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम एंड मायोकार्डियल फंक्शन. अब और एक तरीका है, आप अगर सॉल्ट में किस तरीके से कह सकते हैं, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन इन द पल्मरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन दैट लीड्स टू इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस कार्डियक आउट एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट. अब इसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, देखिए कुछ चीजें तो आप डायरेक्टली रिलेट कर देंगे, लाइक कार्डियक आउटपुट आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कोई डाउट नहीं है. सेंट्रल वीनस प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर, अगर वेनस सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन है तो वीनस जो प्रेशर है ब्लड का वहां पे क्या होगा, रेज होगा. तो सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या होता है, रेज होता है. स्ट्रोक वॉल्यूम, सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, अगर एओर्टा के अल्टेरियल सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन है तो सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी रेज होगा, राइट. यहां से रिलेट कर सकते हो. पल्मोनरी आर्टरी ऑक्लूजन प्रेशर, तो पल्मोनरी आर्टरी ऑक्लूजन प्रेशर, दो चीजें रह गई, ग्रेट वेसल्स तो हम इन्वॉल्व करेंगे प्लस आपको उस सिस्टम को इन्वॉल्व करना है जिसमें राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और लंग्स में जाके पल्मोनरी वेन के थ्रू वो दोबारा से रिवर्ट होकर लेफ्ट एट्रियम में आती है. तो वो जो सिस्टम है, मीन्स पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स एंड पल्मोनरी वेन, वहां पर भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो कार्डियक आउटपुट का मॉड्यूलेशन होगा उसको हम बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक. तो इसीलिए अगर पल्मरी आर्टरी ऑक्लूजन प्रेशर भी इसमें क्या होगा, बढ़ेगा, अगर वो पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की वजह पल्मरी आर्टरी में क्या है, ऑक्लूजन है, राइट. तो ओवरऑल हमने अभी ये समझा कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की फिजियोलॉजी है वो किस तरीके से जेनरेट होती है और उसको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे. अब हम बात करेंगे कौन से साइन एंड सिम्टम है. साइन एंड सिम्टम्स आपके शॉक के, अगर आप रिलेट करके पढ़ते हैं, प्रीवियस वीडियोस भी देखते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है आप, क्योंकि इसमें कार्डियक आउटपुट मिनिमाइज हो रहा है और कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से सेरेब्रल परफ्यूजन जो है ब्लड का, लाइक वो भी क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, कम होगा, ब्लड वॉल्यूम की रीच ही कम होगी क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम है. तो सेरेब्रल परफ्यूजन न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, कम होगा, ऑक्सीजन का क्या कंडीशन होगी, हाइपोक्सिया, एंड दैट विल लीड्स टू द वेरियस थिंग लाइक एंजाइटी, रेस्टलेसनेस एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेट. अब हम बात करेंगे सेकेंड हाइपोटेंशन की, क्यों, क्योंकि हमारा कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया है, तो आप ऑब्वियसली इसमें कह सकते हो कि हाइपोटेंसिव स्टेट होगी, किसमें, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में. ओवरऑल साइन एंड सिम्टम को लेके हम एक जैसी बातें करते हैं जहां पे हमारा कार्डियक आउटपुट कम होता है. फिर हम कूल एंड मॉल्टेड स्किन की बात करते हैं, तो इसको हम रिलेट करके मैकेनिज्म इसकी किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे. देखिए जब आपका कार्डियक आउटपुट कम होगा तो जो भी वाइटल ऑर्गन्स है मेनली लाइक ब्रेन एंड हार्ट, तो वहां पे वेस्कुलैरिटी आपको मेंटेन, बॉडी की वेस्कुलैरिटी, बॉडी नेचुरली वहां पे वेस्कुलैरिटी को मेंटेन करना चाहिए, लेकिन पीछे से आपका कार्डियक आउटपुट कम है तो वहां की जो पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स होंगी वो डायलेट हो जाएंगी ताकि वहां पे मोर एंड मोर ब्लड की सप्लाई हो. लेकिन जब मोर एंड मोर ब्लड की सप्लाई उस वाइटल्स ऑर्गन की तरफ, हार्ट या ब्रेन की तरफ होने लगेगी ज्यादा से ज्यादा, तो वहां पर क्या होगा कि जो ऐसे ऑर्गन है जहां पे ब्लड की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जहां पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है वहां पे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और वहां पे वेसो डायलेशन. तो जहां पे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ लाइक स्किन, तो स्किन में जब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो जो स्किन की एक्सट्रीमिटीज है वहां पे कैसी फीलिंग आएगी, कूल, क्योंकि वहां पे ब्लड की रीच क्या हो जाएगी, कम. तो इस तरीके से कूल या मॉल्टेड स्किन की आप बात करेंगे. इसके बाद हम बात करेंगे ऑलिग्यूरिया की. ऑलिग्यूरिया कैसे हम रिलेट करेंगे, भाई जब रीनल परफ्यूजन पीछे से कम है, कार्डियक आउटपुट ही कम है, तो आपका ये साइन एंड सिम्टम, तो आपका, बट ऑब्वियस ही बात है कि आपका रेनल ऑलिगोयूरिया की हम बात करेंगे. अब देखिए, अब हम इसको रिलेट करेंगे, साइन एंड सिम्टम हमने पढ़ लिया. अब चूंकि कई बार आपको पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जो कार्डियोजेनिक शॉक है और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक,
उसको कई ऑथर्स मान के चलते हैं कि दोनों बोथ आर सेम थिंग, लेकिन दो तीन प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनमें हम डायरेक्टली उनको रिलेट कर लेते हैं कई बार ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक से, और उस ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की वजह से हम रिलेट करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली दोनों में क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, राइट। तो लेकिन यहां पे हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक को डिफाइन करेंगे कि इस स्पेशली डिजीज में ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक ही ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक अकर होता है, लाइक कार्डियक टेम्पोनेड और पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड टेंशन न्यूमोथोरेक्स। इनके अलावा भी कुछ चीजें हैं, तो हमने मेन चीजों को यहां पे कवर करना चाहा है। कार्डियक टेम्पोनेट एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड टेंशन न्यूमोथोरेक्स, हाउ दीज प्रॉब्लम्स आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो इसकी थोड़ी सी शॉर्ट शॉर्ट में हम मैकेनिज्म पढ़ लेंगे ताकि एक्सप्लेन करना और इसके ट्रीटमेंट को रिलेट करना आपके लिए आसानी हो। तो लाइक देखिए कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है। कार्डियक टेम्पोनेट में हम मान के चलते हैं कि अगर हमारा ये जो रेड कलर से यहाँ पे सोन है, ये हार्ट है, तो हार्ट के ऊपर क्या है, ऊपर जो लेयर होती है वो पेरिकार्डियम की होती है, लाइक तो पेरिकार्डियम, इसको पेरिकार्डियल टेम्पोनेट भी बोलते हैं। पहली तो चीज, इस चीज को याद रखने की बात है कि कार्डियक टेम्पोनेट इज ऑल्सो नोन एज पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। पेरिकार्डियल टेम्पोनेट में क्या होता है, जो पेरिकार्डियम ब्लैक कलर की लेयर है, इससे यहाँ इन दोनों के बीच में इस कैविटी में, पेरिकार्डियल कैविटी में यहां पे फ्लूइड भरा होता है, लाइक ब्लड भी होता है वहां पे, ब्लड फ्लूइड दोनों मिक्स होते हैं और वो यहां पर होता है। तो कई बार क्या होता है कि जब यहां पे इसका किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, ड्यू टू एनी पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द दिस पेरिकार्डियल लेयर ऑफ द हार्ट, वेन एवर देयर विल बी इंक्रीज्ड इफ्यूजन, यहां पे ज्यादा से ज्यादा किसका हो, ज्यादा से ज्यादा यहां पे फिलिंग किसकी हो, फ्लूइड की हो या ब्लड की हो, यहां फ्लूइड भी हो सकता है और ब्लड भी हो सकता है। तो इस फ्लूइड या ब्लड के ज्यादा यहां पे अवेलेबिलिटी की वजह से, जब यहां पे फ्लूइड की अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी तो यहां पे क्या होगा, ये इस पे हार्ट की पे क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, और जब हार्ट पे ये प्रेशर डालेंगे तो हार्ट से जो भी वीनस सिस्टम यहां पे आ रहा है या तो आर्टेरियल सिस्टम जा रहा है, वो क्या होगा, वो कंप्रेस होगा, और जब वो कंप्रेस होगा, राइट, जब वीनस सिस्टम या आर्टेरियल सिस्टम कंप्रेस होगा तो ओवरऑल कार्डियक आउटपुट मॉड्यूलेट होगा, डिक्रीज्ड होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज्ड होगा। कार्डियक टेम्पोनेट में दो स्पेसिफिक पॉइंट भी आपको समझने, तो आप इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन के यहां पे कार्डियक टेम्पोनेट में किस तरीके से हुआ। फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन इस वजह से हुआ क्योंकि फिजिकली यहां पे ब्लड या फ्लूड का एक्यूमुलेशन हुआ, उस एक्यूमुलेशन की वजह से इसमें स्क्वीजिंग हुई और उस स्क्वीजिंग की वजह से जो वेसल्स थी वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हुई, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट का मॉड्यूलेशन हुआ। इसमें दो चीजें याद रखनी है, देखिए जो वहां पे इफ्यूजन है, जो ब्लड की फिलिंग है पेरिकार्डियल स्पेस में, वहां पे दो तरीके से ब्लड की फिलिंग होती है। अगर ये चीज फिलिंग बहुत स्लो हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, तो इट हैज कैपेबिलिटी, दिस स्पेस हैज कैपेबिलिटी टू एकोमोडेट अप्रोक्सीमेटली 1500 ml ऑफ फ्लूड, और यू कैन से द ब्लड, तो 1500 ml ब्लड यहां पे एकोमोडेट हो सकता है अगर ये प्रोसेस स्लो हो रही है, धीरे धीरे, प्रोग्रेसिवली इन लॉन्ग टर्म, राइट। तो अगर ये प्रोसेस स्लो इफ्यूजन है, प्रोग्रेसिव है एंड इन लॉन्ग टर्म है, तो दिस स्पेस कैन एकोमोडेट 1500 ml ऑफ ब्लड, एंड इवन देयर में बी चांसेस देयर माइट नॉट बी अगर एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स एज वेल, बट इन एक्यूट फेज में, लाइक अगर सडनली ये चीज हो रही है, तो अप्रोक्सीमेटली 100 to 200 ml ऑफ फ्लूड और ब्लड कैन ऑल्सो रेज द सिम्टम्स। तो ये दो चीजें आपको, ये भी आपको समझना होगा। और कार्डियक टेम्पोनेट में जब हम बेसिक सिम्टम बात करेंगे, तो यहां पे डिस्टेंट हार्ट साउंड आपके चेंजेस होगा, क्योंकि आपका ये वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, तो बीपी कम होने की बात करेंगे हम यहां पे। और जब ये चीज कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो जुगलर वेन क्या होगी, क्योंकि वहां पे सप्लाई हमको ज्यादा चाहिए लाइक ब्रेन में, तो वो क्या होगी, डिस्टेंडेड होगी, तो डिस्टेंडेड जुगलर वेन, तो डिस्टेंडेड हार्ट साउंड एंड डिक्रीज्ड बीपी एंड डिस्टेंडेड जुगलर वेन, तो ये हमारे क्या होगा, कार्डियक टेम्पोनेट। ओवरऑल कार्डियक टेम्पोनेट का अगर रिकैप करें इन शॉर्ट, तो हमने ये पढ़ा कि कार्डियक टेम्पोनेट में जो पेरिकार्डियल स्पेस है, वहां पे नॉर्मली फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड जो हार्ट के फ्रिक्शंस को कम करता है, लाइक उसको
जर्ग को होल्ड करने में, जर्ग को कम करने में, हार्ट में जर्ग ज़्यादा ना जाए उस पर हेल्प करता है। लेकिन जब कभी वहाँ पे फ्लूड की क्वांटिटी ड्यू टू पैथोलॉजिकल चेंजेस बढ़ती है तो वो स्क्वीज करती है हार्ट को, और हार्ट में स्क्वीजिंग की वजह से जो वेसल्स हैं वो भी स्क्वीज होती हैं, जिससे कार्डियक आउटपुट कम होता है। और हम फिर रिलेट करते हैं कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक से, तो कार्डियक टेम्पोनेंट एक इशू है। दूसरी हम बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में अगर हम बात करें, दिस इज नॉर्मल हार्ट एंड दिस ब्लू कलर स्ट्रक्चर इज, दिस इज ओरिजिनेटिंग पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज लंग्स, दिस इज पल्मोनरी वेन अगेन कमिंग बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज एवोर्टा आर्टेरियल आर्टेरियल सिस्टम, दिस इज वीनस सिस्टम अगेन गेट बैक इनटू द राइट एट्रियम। इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म देयर इज ए डेपोजिशन ऑफ आइदर ब्लड क्लॉट, 90% केसेस देयर विल बी डेपोजिशन ऑफ ब्लड क्लॉट और समटाइम डिपोजिशन ऑफ फैट और ड्यू टू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर बबल इन द दिस आर्टरी। देयर मे बी चांसेस कि इस आर्टरी में अगर इन चीजों का डिपोजिशन है तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट ब्लड का नहीं हो पाएगा। जब फॉरवर्ड मूवमेंट ब्लड का नहीं हो पाएगा देन देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड हियर, और जब एक्यूमुलेशन होगा यहां पे राइट तो एक्यूमुलेशन होगा तो ये प्रेशर किस पे डालेगा, बैकवर्ड, और ये बैकवर्ड प्रेशर डालेगा राइट तो यहां पे होल ऑर्गन बॉडी एडेमा का चांसेस है। और जबकि अगर हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म में अगर हम पल्मोनरी वेन को रिलेट करें, अगर यहां पे आपका ब्लड क्लॉट या फैट या एयर का डिपोजिशन है तो वो किसकी तरफ प्रेशर डालेंगे, बैकवर्ड मींस लंग्स की तरफ, तो वो पल्मोनरी एडेमा आपको क्रिएट करेगा राइट। तो ये जो एडेमा की कंडीशन क्रिएट हो रही, ओवरऑल ये हार्ट की वेसल्स को क्या करने वाले हैं, स्क्वीज करने वाले हैं या इम्पीड करने वाले हैं। अगर यहां पे हम एडेमा की बात करें तो ये इम्पीड करेगा वीनस रिटर्न को, और यहां पे इम्पीड करें तो बात रिटर्न यहां पे अगर बात करते हैं तो ये किसको इम्पीड करेगा, जो यहां से ब्लड आ रहा है राइट। तो यहां पर ब्लड फॉरवर्ड मोशन में लेफ्ट एट्रियम में नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो इफेक्ट आने वाले हैं वो ये आने वाले हैं कि आपका जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो कार्डियक आउटपुट को मॉड्यूलेट करेगा। लेकिन जो मैक्सिमम केसेस देखे हैं प्रैक्टिकली वो राइट वेंट्रिकल में, यहां पर राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, आफ्टरलोड क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि जब यहां एक्यूमुलेशन हो जाएगा राइट, जब यहां पे एक्यूमुलेशन हो गया तो यहां पे ब्लड फॉरवर्ड शिफ्ट नहीं हो पाएगा तो यहां पे क्या बढ़ेगा, प्रेशर। तो इसीलिए इसको ज्यादा प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, जिसको हम आफ्टरलोड बोलते हैं, तो आफ्टरलोड यहां पर बढ़ जाएगा। तो कई बार ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं लास्ट टेंशन न्यूमोथोरैक्स की। तो जो भी न्यूमोथोरैक्स होते हैं उनका लास्ट जो हम मान के कई बार क्रॉनिक स्टेज होता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में सेम कुछ हद तक इससे हार्ट से रिलेटेड है। जैसे अगर आप इसकी एनाटॉमी देखें लंग्स की, तो दिस ब्लैक कलर स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटिंग लंग्स एंड दिस ब्लू लाइन रिप्रेजेंटिंग द आउटर लेयर ऑफ लंग्स दैट इज and this space that present in outer layer and between the lungs is pleural space. तो pleural space में क्या होगा कि sometime due to pathological changes this pleural space इसमें क्या होगा, disruption, और जो इसमें क्या होगा कि यहां पर air का direct air की entry होगी and this air entry will be in one direction, means air आएगी तो लेकिन revert नहीं जाएगी। तो जैसे जैसे एयर का यहां पे एंट्री बढ़ेगी ड्यू टू पैथोलॉजिकल चेंजेस, तो जब एयर की एंट्री बढ़ेगी तो लंग्स में क्या होगा, स्क्वीजिंग होगा, यहां पे प्रेशर पड़ेगा लंग्स में। तो लंग्स में जब प्रेशर पड़ेगा तो पहली बात तो इसकी कंडीशन क्या है कि यहां पे वन वे है, एयर आ तो रही है अंदर लेकिन बाहर नहीं जा रही है। तो जब एयर में प्रेशर पड़ेगा, तो जब इस लंग्स में प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होगा, डिक्रीज डायस्टोलिक फिलिंग। डायस्टोलिक फिलिंग मीन्स डायस्टोल जब हर्ट होता है तो उसमें जो फिलिंग है ब्लड की फिलिंग हम कैसे रिलेट कर रहे हैं कि डायस्टोल में जब ब्लड की फिलिंग कहां पे होगी, लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम से जो पल्मोनरी यहां से जो हमारे क्रॉस कर रही है, क्या जो पल्मोनरी आर्टरी इधर से आ रही है और पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जा रही है, तो जब ये स्क्वीजिंग होगी तो पल्मोनरी वेन भी स्क्वीज होगी, पल्मोनरी आर्टरी भी स्क्वीज होगी, तो ओवरऑल जो लेफ्ट एट्रियम में फिलिंग है ब्लड की वो भी मॉड्यूलेट होगी, तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। तो उधर से हम डायरेक्ट रिलेट करेंगे कि ये आपका टेंशन न्यूमोथोरैक्स भी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक को इंड्यूस करता है। अब अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की,
तो ट्रीटमेंट में देखिए आप जिस तरह की प्रॉब्लम्स हम उसको रिलेट कर सकते हैं। कई बार देखिए हम अगर कार्डियक आउटपुट कम होने की बात कर रहे हैं तो हम क्रिस्टलाइट फुल कार्डियक आउटपुट, अगर हम कम होने की बात कर रहे हैं तो हम फ्लूड का रिप्लेसमेंट करते हैं, कई बार क्रिस्टलाइन थेरेपी देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे प्लेक का डिपोजिशन है तो हम क्या देते हैं, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स भी देते हैं, राइट। और अगर हम जैसे हम स्पेशली अगर इसकी बात करें कि यहाँ पे एयर एयर वन वे एयर का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, मींस यहाँ पे प्रेशर एयर एक्यूमुलेट हो रही है और प्रेशर बढ़ रहा है, लाइक तो वहां पे हम एक निडल की बात करेंगे कि हमने निडल जो है निडल डीकम्प्रेशन जिसको बोलते हैं, तो निडल डीकम्प्रेशन के थ्रू निडल हम सेकेंड इंटरकोस्टल में डालेंगे, इंटरकोस्टल स्पेस में, और वहां से हम निडल निडल के थ्रू एयर को बाहर निकलने के लिए अलाउ करेंगे, तो वो निडल डिकम्प्रेशन के थ्रू हो गया। तो और इस तरीके की कई ट्रीटमेंट है लाइक जिसमें हम वैसो जब हमारा कार्डियक आउटपुट कम हुआ है तो हम उस कार्डियक आउटपुट को रेज करने के लिए बीटा एगोनिस्ट देने की भी बात करेंगे, वैसो कॉन्स्ट्रक्टर की बात करेंगे। तो ओवरऑल जो ट्रीटमेंट का मैकेनिज्म है हमारा प्रीवियस, जैसे हमने हाइपोवॉल्यूमिक में तो डायरेक्ट हम वॉल्यूम को बढ़ाने की बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे डिजीज्ड ओरिएंटेड ट्रीटमेंट, लाइक जैसे हम यहाँ किसकी बात कर रहे थे, हम निडल डिकम्प्रेशन की बात कर रहे थे, राइट। तो इस तरीके से हम इसको, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्लॉट को ब्रेक करने की बात करेंगे, तो उससे आपका ट्रीट क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल कवर द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक एंड देयर टाइप्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।